हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस के बारे में जिसका बिजनेस हर कोई करना चाहता है। वो बिजनेस है दोस्तों किराना स्टोर बिजनेस, किराना जनरल स्टोर बिजनेस, कि जो हर घर में इस्तेमाल होता है और हम बचपन से लेके अब तक उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं घर के लिए, अपने लिए। ठीक है, घर का कोई भी सामान हुआ, सुबह के उठने से लेकर रात को सोने तक का जितने भी प्रोडक्ट, हम जनरल आइटम, खाने पीने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं डेली यूज़ में, किराना जनरल स्टोर से लेते हैं, क्योंकि इसकी शॉप भी हम बहुत अगल बगल से ही देखते रहते हैं, अपने घर के मोहल्ले से, बाज़ार से, शहर से देखते आ रहे हैं। ठीक, तो क्योंकि ये बिज़नेस हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगले को लगता है यार चीनी है, दाल है, चावल है, ये सारी चीज़ें हैं, साबुन है, डिटर्जेंट है, ये तो यार बस खरीदना है और जो भी प्रॉफिट मार्जिन 2-4-5-10 रुपये मिलती है उसे रख के बेचना है मार्केट में। ठीक है, खुला रेट है, तो ये एक बहुत सरल बिजनेस है। बट इस बिज़नेस को भी करके क्या आप कमा लेते हैं, ये सबसे बड़ी तो सवाल है। क्योंकि क्या इस बिज़नेस को जितने लोग किए हैं क्या बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं? नहीं कमा पाते। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक नए हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि किराना बिजनेस बेसिकली सबसे लो प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है, सबसे ज़्यादा कम मार्जिन वाला बिजनेस है तो किराना बिजनेस है। ठीक है, आप बहुत सारे बिजनेस देखते होंगे बट सबसे कम प्रॉफिट किराना बिजनेस में आता है, और सबसे ज़्यादा किचकिच, सबसे ज़्यादा जो उधारी होता है वो भी इसी बिजनेस में आता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रॉफिट मार्जिन ही कम है तो आपको सारी चीज़ें बहुत बड़ी लगेंगी। ऐसा नहीं है, उधारी हर सेक्टर में होता है, बट जिस सेक्टर में आप प्रॉफिट मार्जिन ही कम कमाएं और उसमें भी उधार। ठीक है, तो एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में इंडिया के सभी छोटे दुकानों। लेकिन दोस्तों, ये हाई डिमांड बिजनेस है। हाई डिमांड इसलिए क्योंकि हर घर की जरूरत है, और हाई कंपटीशन बिजनेस है क्योंकि हाई डिमांड है, तो इस वजह से हाई कंपटीशन भी है क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होता है। तो जो ग्राहक होते हैं ना, वो खुद प्रोडक्ट की प्राइस जानते हैं। जैसे कि आपको डिटर्जेंट पाउडर आप खरीदते होंगे 50 रुपये केजी, मान लीजिए आप 50-55 रुपये खरीदते होंगे, तो आपको पता है कि 50-55 रुपये मिलता है नॉर्मल, सभी लोग जानते हैं। क्योंकि चीनी आपको पता है कि 40-42 रुपये की केजी मिलती है, साबुन आपको पता है 10 रुपये, पेस्ट आपको पता है 10 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, जो भी। ठीक है, चाय पत्ती आपको पता है, चावल, आटा, दाल, सब प्राइस हर कस्टमर को इसका जो रेट होता है वो पता होता है जनरली। तो होता क्या है दोस्तों कि इसीलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुकानें भी ज़्यादा है और ग्राहक को पता भी है। तो अब जैसे मान लीजिए आपने 1 kg डिटर्जेंट पाउडर किसी दूसरी दुकान से, मान लीजिए अब ये प्रोडक्ट कभी भी किसी के घर में भी घट जाता है। देखिए, बिस्किट है, नमकीन है, डिटर्जेंट है, ये कभी भी घट सकता है। ठीक है, घर आपके घर पे नहीं है, आपने बगल में गए, फटाक से पैसा दिया, सामान लिया। ठीक, तो अब इसी स्थिति में होता क्या है कि अगर आप कहीं अपने मार्केट से दूर हैं, कभी यार किसी भी सिचुएशन में आप दूसरी दुकान से ले लिए और उसने आपको वही प्रोडक्ट 48 रुपये में दे दिया, जो प्रोडक्ट आप 50 रुपये में खरीदते, तो आपको लगता है 48 रुपये, ये भी तो 48 रुपये में बचाता होगा। ठीक है, तो अब जब आप रेगुलर वाली दुकान पे आएंगे तो कहेंगे यार हम तो वहाँ पे कभी नहीं लेते हैं, फिर भी वो 48 में दे दिया और आप हमसे 50 रुपये में देते हैं। तो ये हो गया कंपटीशन, इसे फेस करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं कि कैसे आप अपनी मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप किराना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये दोस्तों जानना चाहिए कि ये एकदम कम प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस है। मिनिमम जो मार्जिन होती है वो 10% होती है और यही सबसे ज़्यादा सेल होती है। जो 10% मिलता है जिस प्रोडक्ट पे, वही प्रोडक्ट आपको 75-80% सेल होती है मार्केट में, जिस पे 10% की मार्जिन, मतलब आपको प्रॉफिट होती है, यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये, 10 रुपये में 1 रुपये, वही प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है मार्केट में। तो ये एक समस्या वाली बात है। तो ये जो बिज़नेस है ये इसलिए हाई कंपटीशन बिजनेस है। ठीक है, लेकिन डिमांड हाई है, तो आप अगर अच्छी जगह पे हैं तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी जगह पे हैं, अच्छे लोकेशन पे हैं, अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, तो अच्छी इनकम कर पाएंगे। बट अगर आप अच्छी जगह पे नहीं हैं, अच्छा बिजनेस आपका सेल अच्छा नहीं है, तो आप बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये बिज़नेस अगर आप
बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो अच्छा खासा कमा लेंगे, लेकिन छोटे लेवल पे करते हैं तो इनकम भी आपकी बहुत ही छोटी रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप दुकान खोलना चाहें तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कहाँ से आपको सामान लेना पड़ेगा, अगर आप होलसेल की दुकान खोलते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, रिटेल की खोलते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, कितनी प्रॉफिट मार्जिन है, कितना कमा सकते हैं, कितना कहाँ कहाँ नुकसान होता है आपको, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो मैंने बना चुका हूँ। तो चैनल पे जाइए, लाइन से आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको किराना बिजनेस आइडियाज़ के लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो को देख लिया तो इस बिज़नेस से रिलेटेड आपको कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी, और किस प्रोडक्ट में कितनी मार्जिन है, किस प्रोडक्ट में कहां से आता है और कितनी फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें इस मतलब हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं वीडियो और अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी, छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, रेड वाली बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आपके लिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और हमारी वीडियो देखें। ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो और भी अदर प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।